हापुड़ में बेखौफ दबंगों ने रेप पीड़िता के घर में घुसकर पीड़िता पर कहर बरपाया है। पहले तो दबंगों ने रेप पीड़िता के परिवार के साथ मारपीट की और फिर रेप पीड़िता पर एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक की वजह से पीड़िता झुलस गई है, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ से दबंगों की दबंगई जो सामने आए हैं, जहां एक रेप पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की गई है। सिर्फ ना मारपीट बल्कि रेप पीड़िता पर एसिड भी फेंका गया है। तो लगातार मामले एसिड अटैक के सामने आ रहे हैं। एसिड अटैक से रेप पीड़िता झुलस गई है, जहां अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ में एक शर्मसार कर देने वाली घटना, जहां रेप पीड़िता के घर में घुसकर धमकाया गया है, मारपिटाई वहां पर की गई है और उसके बाद रेप पीड़िता पर एसिड अटैक का मामला भी ये सामने आया है। तो कहा जा रहा है कि पहले तो दबंगों ने रेप पीड़िता के परिवार के साथ मारपीट की और फिर रेप पीड़िता पर एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक की वजह से पीड़िता पूरी तरह से झुलस गई है। हालांकि आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कार्रवाई इन दबंगों के खिलाफ क्या होगी ये देखना होगा, क्योंकि देखा जाए तो बदमाश बेखौफ हो चले हैं। कानून का यहाँ पर कोई खौफ नहीं रहा है और ऐसे में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और ताज़ा मामला हापुड़ से, जहाँ पर दबंगों ने पहले रेप पीड़िता के परिवार के साथ मारपिटाई की, धमकाने की कोशिश की और उसके बाद रेप पीड़िता पर एसिड अटैक किया गया है। बुरी तरह झुलस गई है, गंभीर स्थिति बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज वहाँ पर जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है देखना होगा। और आखिरकार इन दबंगों की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं रेप पीड़िता की हत्या करने की थी, शायद इसी मंशा के साथ ये उसके घर में दाखिल हुए, लेकिन फिलहाल कार्रवाई इनके खिलाफ अब क्या होगी ये यहाँ पर देखना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था जो कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दे रही है, पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा जनता को मुहैया कौन कराएगा, क्यों आखिरकार महिला अपराध के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे में हापुड़ से इस तरह का वाक्या सामने आना, जिसके बाद से फिर से ये जो सवाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो दबंगों का रेप पीड़िता पर कहर देखने को मिला है, दबंगे यहाँ पर इन दबंगों की देखने को मिली है, जहाँ सिर्फ घर में घुसकर पीड़िता के परिवार के साथ मारपिटाई की गई, बल्कि रेप पीड़िता पर एसिड अटैक भी किया गया है। बुरी तरह से झुलस गई है रेप पीड़िता, अस्पताल में भर्ती है और फिलहाल इलाज जारी है।